इस दुनिया में, आज के इस दौर में, जबकि पूरी दुनिया एक बस्ती बन चुकी है, एक छोटा सा गांव, बिकॉज ऑफ इंटरनेट जो डेवलपमेंट आया है, क्रांति आई है, रिवॉल्यूशन आया है पूरे दुनिया में, इंसान एक अनचाही दौड़ में भागने के लिए मजबूर है, एक डर, एक खौफ, सर्वाइव करने का खुद को। ऐसा क्यों हुआ अचानक? पहले तो ऐसा नहीं था, हर कोई दौड़ा दौड़ा सा, भागा भागा सा, परेशान, यहां पर कोई डिस्टर्बेंस, सिक्योरिटी, ये क्या करेंगे क्या करेंगे, और उसके लिए एक अनचाह खौफ दिमाग में लेकर घूम रहा है। तो पूरी दुनिया का यही आलम है, हम नहीं चाहते हुए भी दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में अपने लिए जीना ही भूल गए। मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, आप भी उसमें शामिल ना हो जाए। इतना दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि बाद में पता चला कि हमने किस लिए दौड़ा, हमारी रिक्वायरमेंट तो उतनी नहीं थी जितना हमने दौड़ा। तो जो इंसान एक आया है तो एक मुद्दत के लिए आया है, एक पीरियड के लिए आया सकता है, बोल सकता है, लेकिन कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि खुद मुझ में चेंज करने की इच्छा ना हो, मेरे उसमें रजाबंदी ना हो। क्योंकि जब तक खुद की रजामंदी नहीं होगी, माइंड उसको अगर आपका कबूल नहीं कर रहा तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो अपने आप को चेंज करना, या अपने आप को चेंज करना इन सेंस अपने आप को वक्त देना, चेंज कब करेंगे, अपने आप को जानना, उसका सही जुमला अपने आप को जानना। इस भागदौड़ की दुनिया में जो भी मैं मुझे जिंदगी मिली है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, क्या बार बार मिलती है, एक गिफ्ट है, एक चांस है। मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। कोई मर्जी से आया है क्या, बोल क्या है, नहीं ना, इसमें मेरी कुछ भी इच्छा नहीं थी। मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से, लेकिन मैं यहां रह सकता हूं अपनी मर्जी से, ये पक्का, अगर मैं चाहूं तो वो भी, अगर नहीं चाहूं तो वो भी नहीं, बस जी रहे, सुबह हो रही, शाम हो रही, खाना खा रहे और सो रहे, बस एक बस जी रहे, वो तो बहुत भयानक और खतरनाक है। जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता, एक मुद्दत के लिए हम आए हैं और एक मुद्दत के पास चले जाएंगे, हर कोई जो आया है वो जाएगा, एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। तो फिर मेरी बारी आने से पहले मुझे आने का मकसद मिलना चाहिए कि मैं ऐसे ही आया। अगर मैं जीता हूं तो जानवर भी जीता है, मैं खाता हूं तो वो भी खाता है, वो सोता है मैं भी सोता हूं, वो भी मरता है मैं भी मरता हूं, तो उसमें और मुझ में फर्क क्या है, वो अहम, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों। क्योंकि जानवर कल के बारे में नहीं सोच सकता, मैं कल के बारे में सोच सकता हूं, उसको ये नहीं है मुझे ये है। तो मेरे आने का मकसद, जिसने मुझे पैदा किया, तो ये एक सवाल यहां से शुरू होता है, मकसद मिलने के लिए, मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए, मेरे लिए दुनिया, बोलिए, मेरे लिए दुनिया, मैं मेरे लिए दुनिया मेरे लिए, ओके। आप क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं दुनिया मेरे लिए, ओके। यहां से कौन किसके लिए, हाँ बोलिए ना, दुनिया मेरे लिए, और सब लोग मानते हैं दुनिया मेरे लिए। आपको पहचानना, कम से कम आज के बाद शुरुआत कीजिए, सोने से पहले 2 मिनट अपने बारे में सोचिए, मैं क्या, मैं कैसा, आज का दिन मैंने कैसे बिताया, कुछ मकसद था, कैसे बिना मकसद के मैंने काम किया, कोई विजन है जिंदगी में, मकसद, एम, टारगेट। जिन लोगों का कोई टारगेट नहीं होता, जिन लोगों का कोई मकसद नहीं होता, इस तरह से जिंदगी जीते हैं, कोई मकसद नहीं, सिर्फ जीना। जिन लोगों का कोई मकसद नहीं होता, ऐसे लोग उन लोगों के लिए जीते हैं जिनका कोई मकसद होता है।